श्रीनगर में गत दिनों आतंकियों द्वारा गोली मारे जाने से शहीद हुए शिक्षक दीपक चंद के परिवार को ढांढस बांधने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को जम्मू के पटोली मंगोटिया से दीपक चंद के घर पहुंचे। उपराज्यपाल ने शहीद दीपक चंद के परिवार को ढांढस बांधते हुए इस बात का यकीन भी दिलाया कि दीपक चंद की हत्या करने वाले खूनियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही सुरक्षा बल उन्हें मुठभेड़ में मार गिराएंगे। सिन्हा ने यकीन दिलाया कि शहीद के परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। जहां तक शहीद शिक्षक दीपक चंद की बेटी मृदु की शिक्षा की बात है, तो प्रदेश की इस बेटी की लाइफ टाइम एजुकेशन का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और पत्नी को भी शहीद शिक्षक दीपक के स्थान पर नौकरी दी जाएगी। उपराज्यपाल के साथ डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर, ADC जम्मू घनश्याम सिंह सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।